नोटबंदी के दौर में भी साईं बाबा के भक्तों की दीवानगी कम नहीं हुई है। ये भक्तों का प्यार ये है कि नोटबंदी के बावजूद शिरडी वाले साईं दरबार में आने वाले दान में कोई कमी नहीं आई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक शिरडी के साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को नोटबंदी के बाद से अब तक 31 करोड़ 73 लाख रुपए का दान मिल चुका है। साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के ट्रस्टी सचिन तांबे ने बताया कि दान में मिले 4 करोड़ 63 लाख रुपए पुरानी करेंसी के हैं, जबकि 3 करोड़ 80 लाख रुपए नए करेंसी में। पिछले 50 दिनों में संस्थान को 18 करोड़ 96 लाख रुपए दान पत्र में 6 करोड़ 87 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड से मिले हैं, जबकि 3 करोड़ 96 लाख डिमांड ड्राफ्ट से, 1 करोड़ 46 लाख रुपए ऑनलाइन डोनेशन से और 35 लाख रुपए मनी ऑर्डर के जरिए मिल चुके हैं। कैश के अलावा ट्रस्ट को तकरीबन 3 किलो सोने के आभूषण भी दान में मिले हैं। इनकी कीमत 73 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं भक्तों ने बाबा के दरबार में 56 किलो चांदी का दान भी दिया है, जिसकी कुल कीमत 18 लाख रुपए है। तो नोटबंदी के बावजूद साईं बाबा के भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। वैसे आपको बता दें कि साईं बाबा ट्रस्ट दान के ज्यादातर रुपए विकास कार्यों में लगा देता है। देखते रहिए डीबी लाइव।